नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के संस्थापक आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके बेटे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी है और नेताजी का अंतिम संस्कार उनके पृथक गाँव सेफई के मेला ग्राउंड पर हुआ है। इससे पहले उनका शव अंतिम दर्शन के लिए सेफई के मेला ग्राउंड में रखा गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योग गुरु रामदेव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनके अंतिम दर्शन किए। अंतिम दर्शन करने वालों में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल थे। इस दौरान वहां रुक रुक कर बारिश होती रही। मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार उनकी पहली पत्नी के स्मारक के ठीक बगल में हुआ। मुलायम सिंह यादव का सोमवार को गुरुग्राम के ही में तांदा अस्पताल में निधन हो गया था। वो 82 साल के थे। उनका पार्थिव शरीर सोमवार को ही सेफई लाया गया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह शहलोक नायक जयप्रकाश नारायण के जयंती समारोह में शामिल हुए। वो पहले वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वे यहां से जेपी के गांव सिताब दियायरा पहुंचे। वहां उन्होंने जयप्रकाश नारायण के 120वीं जयंती समारोह में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने कहा कि जयप्रकाश का जीवन विशिष्ट प्रकार का रहा। आजादी के लिए क्रांति और गांधी बताए मार्ग पर लड़े। आजादी के बाद जब सत्ता लेने का समय आया, तब एक सन्यासी की भांति विनोबा भावे के साथ सुवृद्धि के गतिविधि से जुड़ गए। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जेपी की आज जन्म जयंती है। मैं जेपी को कोटि कोटि नमन कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मां गंगा सरयू का आशीर्वाद इस क्षेत्र को है। लोकतंत्र के प्रति बिहार सजग है और लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास हुआ है। अब देश में मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार चल रही है। 8 साल से जो जयप्रकाश के सिद्धांत है, विनोबा के सिद्धांत है, सर्वोदय के, वो सर्वोदय के ही नारे को मोदी जी ने अंत्योदय के साथ जोड़कर गरीब कल्याण की एक नई पीठिका शुरू की। देश के 7 करोड़ गरीबों को 5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य का बीमा देना। स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं बननी चाहिए। भले ही उस समय की सरकार ने कुछ कार्य किया हो और योजना बनाने में विफल रही हो, लेकिन सरकार से बाहर रह करके जिन महापुरुषों ने इन पर स्वस्थ चिंतन को आगे बढ़ाया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे महापुरुष उस समय भी इस क्रांति के लोगों को स्वतंत्र भारत के अंदर अपने चिंतन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। पूर्वांचल के माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी के मुख्तार अंसारी ने विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है और ईडी की प्रयागराज यूनिट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ ये लुकआउट नोटिस जारी किया है। अब्बास अंसारी लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद अब देश छोड़कर नहीं भाग सकेंगे, जबकि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफनशा अंसारी के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। इसके बाद अब देश के सभी एयरपोर्ट को लुकआउट नोटिस जारी होने की सूचना भेजी गई है। बुलंदशहर में पिछले 3 दिनों से लगातार हुई बारिश से धान की फसलों को हुए नुकसान के संबंध में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने तहसील सिकंदराबाद के अंतर्गत गांव गाजी
वीरपुर और बेनीपुर लाठौर में भ्रमण किया करते हुए गांव के किसानों से उनके धान की फसलों में हुए नुकसान के बारे में जानकारी हासिल की है। जिला अधिकारी ने किसानों से कहा है कि धान के खेत से पानी निकालकर फसल को बचाने का प्रयास किया जाए। डीएम ने उप जिला अधिकारी सिकंदराबाद को निर्देशित किया कि धान की फसलों में हुए नुकसान का आकलन कराकर किसानों को मदद दिलाए और इसके साथ ही आवश्यक कार्रवाई की जाए। पीलीभीत में बीते कई दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। वहीं पीपल का बेहद पुराना पेड़ धराशाही हो चुका है, जिसके चलते बिजली के दो पोल भी गिर गए हैं। बिजली व्यवस्था चौपट होने के साथ साथ राहगीरों का रास्ता भी बाधित हो गया है। वहीं जिला प्रशासन ने अब तक मामले में कोई सुध नहीं ली है। फतेहपुर जिले के रहने वाला सेना का जवान उत्तरकाशी में कार्यरत पालन के दौरान ही शहीद हो गया था, जिसका पार्थिव शरीर आज उनके पृथक गांव पहुंचा। और आपको बता दें कि जहां केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ नम आंखों से शहीद जवान शुभम सिंह को अंतिम विदाई दी गई है, इस दौरान प्रशासनिक अमले और स्थानीय विधायक के साथ हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं मुख्यमंत्री ने सेना के जवान शुभम सिंह को वीर गति प्राप्त करने पर श्रद्धांजलि दी है। साथ ही दिवंगत सैनिक शुभम सिंह के परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी घोषणा कर दी है। गौरव शुभम देश की सेवा करते हुए दैवी आपदा दुर्घटना में वैसे धंसने के कारण इसमें 29 लोग हताहत हुए, उसमें से हमारे जनपद का लाल ध्वज जिनको मुखाग्नि दी गई है, मैं श्रद्धांजलि अपनी तरफ से अर्पित करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करें और जो भी हमारे उनके साथी उस दुर्घटना में शहीद हुए हैं उन सभी साथियों को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। चले रुक करते अगली खबर की ओर। पुलिस ने लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सूरज कुमार राय ने जानकारी देते हुए बताया है कि थाना नकुर पुलिस ने लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों शातिर लुटेरों के कब्जे से लूट में इस्तेमाल किए हुए 3 मोबाइल, 1 तमंचा, 1 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। कल थानाकुड़ में कस्बा क्षेत्र में दो अभियुक्तों के द्वारा मोबाइल फ़ोन की लूट कारित की गई थी। दुकान से 3 मोबाइल फ़ोन उन्होंने लूटे थे और थानाकुड़ ने इस पर बहुत ही शानदार कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर इस लूट का अनावरण किया है और इसमें 66 जो तीनों मोबाइल फ़ोन थे उसको बरामद किया है। इसी के साथ अभियुक्तों के कब्जे से 1 तमंचा और 1 चाकू भी बरामद हुआ है। अभियुक्त का नाम अमित और कुलदीप है, इनको आवश्यक विधिक कार्रवाई करके कारागार दिया जाएगा। वहीं फिरोजाबाद में शादी के नाम पर लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने बताया है कि फर्जी आधार कार्ड बनाकर नाम बदलकर शादी करने के बाद दुष्कर्म और दहेज का झूठा मुकदमा लिखाकर रुपए हड़पने वाले गिरोह को सिकोहाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए सिकोहाबाद थाने पर 3 अक्टूबर को एक हरिबाबू नाम के व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि उनकी पत्नी गुमशुदा हैं और उनको खोजने के लिए हम लोग से उन्होंने आवेदन किया था। तत्काल हमारी टीम उसमें एक्टिव हुई, हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज की और उसके बाद टीम हमारी लग गई। उसके बाद छानबीन के बाद ये पता चला कि इनकी जो पत्नी थी
वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करके शादी करके आगरा में रह रही थी। जिस व्यक्ति से शादी हुई थी उस व्यक्ति को लेकर के हम लोग आए थे, क्योंकि उसमें जो वादी हरी बाबू थे उन्होंने नामजद बताई थी कि संभवतः इनकी पत्नी उनके साथ हो सकती है। इस संभावना पे हम लोगों ने उनको लाकर से पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने बताया कि जो हरी बाबू की पत्नी है इन्होंने उनसे शादी करी है और शादी के फोटोज वगैरह भी थे, और उसके एवज में उन लोगों ने 1,65,000 रुपये इन लोगों से लिए थे। हाथरस पहुंचे पद्मश्री से सम्मानित 73 वर्षीय प्रोफेसर किरण सेठ का जोरदार स्वागत किया गया। 43 सालों तक पढ़ाने के बाद वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा पर निकले हैं। इस बीच पढ़ने वाले शहरों में ही क्लासिकल म्यूजिक का भी प्रचार प्रसार, बच्चों को सफल बनाने और पर्यावरण संरक्षण करने की शिक्षा दे रहे हैं, सभी स्कूलों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। उनकी यात्रा 15 अगस्त को श्रीनगर से शुरू हुई थी, जो जनवरी 2023 में कन्याकुमारी में संपूर्ण होगी। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो उद्देश्य यह है कि सब जानते हैं कि साइकिलिंग तो अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, पर ये एक मानसिक विकास के लिए भी बहुत अच्छा है। और एक ध्यान बन जाता है अगर एकांत में साइकिल करो तो। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं एकांत में साइकिल करूँ। दूसरी बात है कि ये जो स्पिक मेक है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ, ये एक आंदोलन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां पहुंचकर सबसे पहले सीएम धामी ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने धाम में चल रहे पूर्ण निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया है। मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री देरी से केदारनाथ पहुंचे, जबकि मुख्यमंत्री के केदारनाथ पहुँचने के बाद मौसम एक बार फिर खराब हो गया। मुख्यमंत्री को वापस जाने के लिए कुछ देर का इंतजार भी करना पड़ा। पुनः निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में आयोजित होने वाले अयुत यज्ञ को लेकर पहुंचे साधु महात्माओं से मुलाकात भी की है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया है। इस मौके पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, डीएम मयूर दीक्षित, एसपी आयुष अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सौरव बहुगुणा की हत्या साजिश रचने वाले षड्यंत्रकारी अब पुलिस की गिरफ्त में। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सौरव बहुगुणा को जेड प्रेस सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। आपको बताते चले कि शक्ति फॉर्म क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा गया, और ज्ञापन में कहा गया कि सितारगंज विधायक कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को जान से मारने की साजिश रची जा रही थी, जिसकी वजह से ही पहले जानकारी होने पर पुलिस ने कार्रवाई कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य साजिश कार्यकर्ताओं को पुलिस खोजबीन में जुट गई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।